टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक का जे जे ईरानी का निधन हो गया है। सोमवार की रात ही उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 87 साल के थे। वो काफी बीमार थे। कई दिनों से उनका टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार की शाम को उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। वर्ष 2021 में मार्च के महीने में डॉ ईरानी अपने घर में गिर गए थे, जिससे उनके सिर में चोट आई थी, जिसके बाद ही उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। वे अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और एक बेटा को छोड़ गए हैं। डा जे जे ईरानी विपरीत परिस्थितियों में भी टाटा स्टील को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा स्टील के सारे वरीय अधिकारी उनकी निधन की खबर सुन TMH पहुंचे हैं। डॉ जे जे ईरानी वर्ष 2007 में वे टाटा स्टील के MD के पद से रिटायर हुए थे। वह टाटा संस के डायरेक्टर रह चुके हैं। वे रतन टाटा के बेहद करीबी थे। 1992 में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक बने। 1998 से 2001 तक टाटा संस के डायरेक्टर रहे। वे उस दौर में टाटा स्टील के MD बने थे, जब मुक्त अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। टाटा स्टील को नई दिशा दी, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाया। उनसे पहले रूसी मोदी टाटा स्टील के MD से चेयरमैन थे। रूसी मोदी से विवाद हुआ था, तो वे रतन टाटा के साथ थे। टाटा समूह में उनकी खास हैसियत है। भारत सरकार से उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला। डॉ ईरानी को यह सम्मान उद्योग व व्यापार के क्षेत्र बेहतर योगदान के लिए भारत सरकार ने दिया था। टाटा स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर के निधन पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, महामंत्री सतीश सिंह, उपाध्यक्ष शाहनवाज आलम समेत अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने डॉ ईरानी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मर्मर श्रद्धांजलि। अपूरणीय क्षति, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और डीजी जी जुबिन वन्य सभी परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। शांति। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।